हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संजय दत्त की मूवी वास्तव के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तव मूवी बनी कैसे। दरअसल महेश मांजेकर, जो कि वास्तव मूवी के डायरेक्टर हैं, वो इससे पहले एक मूवी बना रहे थे जिसका नाम था निदान। निदान एक कहानी होती है एक ऐसी लड़की की जो HIV से ग्रसित होती है और संजय दत्त की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। इस मूवी के गेस्ट अपीयरेंस के लिए महेश मांजेकर संजय दत्त से मिलने गए थे और उनसे मिलने के बाद संजय दत्त और महेश मांजेकर की ट्यूनिंग ऐसी बैठी कि उन्होंने साथ में वास्तव के अलावा 7 पिक्चरों में काम किया। जी हाँ दोस्तों, महेश मांजेकर ने संजय दत्त के लिए 7 मूवीज डायरेक्ट करी जिनके नाम हैं कुरुक्षेत्र, हथियार, पिता, रक्त, विरुद्ध और वाह लाइफ हो तो ऐसी। चलिए अब बात करते हैं वास्तव मूवी के बारे में। दोस्तों वास्तव मूवी साल 1999 में 15 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी। इस मूवी के मुख्य कलाकार के रूप में थे संजय दत्त, नम्रता सिरोडकर, संजय नावरेकर, मोहनीश बहल, शिवाजी राव और परेश रावल। दोस्तों IMDb ने इस मूवी को 8 रेटिंग दी है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। दोस्तों इस मूवी का बजट 5.5 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 41 करोड़ की धमाकेदार कमाई करी थी और ये मूवी साल 1999 की सुपरहिट मूवीज में से एक है। दोस्तों आपको बता देते हैं इस मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स। तो आपको सबसे पहले बता दूँ, वास्तव मूवी के लिए संजय दत्त को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों वास्तव मूवी साल 1999 पर दूसरे नंबर पर की कमाई करने वाली मूवी थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि वास्तव मूवी का जो किरदार संजय दत्त ने निभाया था वो रियल लाइफ के डॉन छोटे राजन पर बेस्ड था। दोस्तों बहुत कम लोगों को मालूम है कि वास्तव मूवी का एक सीक्वल भी आया था जिसे हथियार नाम से साल 2002 में रिलीज़ किया था, लेकिन इस मूवी में वो कमाल नहीं था और ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि इस मूवी की जो पहली पसंद थी वो उर्मिला मातोंडकर थी, लेकिन उनके पास डेट ना होने की वजह से नम्रता सिरोडकर को इस मूवी में लिया गया था। दोस्तों इस मूवी के गाने बहुत फेमस हैं और स्पेशली गणेश जी वाला जो गाना है वो आज भी गणेश चतुर्थी के दिन गाया जाता है। चलिए दोस्तों ये रही हमारी कुछ रोचक बातें। धन्यवाद।